سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر शैक़ान बसमिल्रमीमल रबीन वल महमदिन वयबिन ताहरीन ममासूमी वलानतल अदा मजमा अल्हस महमदिन वाल महमद व जिलफ़रज मोहरम नाजरिन सामिन असल आज की नई वीडियो के साथ हाज़र खिदमत है मैं हूँ अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मोहतरम नाजरन सामिन आज नौ नौजुल्हिज़ा यानी यौम अरफा का दिन है और आज के दिन सैदालशदा इमाम अली मुक़ाम हुसैन नबिन अलीसलम तो से मनसूब एक दुआ कि जिसको दुआ अरफा के नाम से याद किया जाता है उसका मोमिन कराम पढ़ने का शर्फ हासिल करते हैं अहतमाम करते हैं हम आज इसी दुआ में से एक अक़ीदा जो खड़ लिया गया यानी एक ऐसा अक़दा जो तख्लीकी है हकीीकी नहीं है यानिद नजूल और ज़हूर का यानी वलादत की जगह इन हस्तियों का नाजिल होना या इनका इनका ज़ाहिर हो जाना और उस तरीक़ार जो कि वलादत का एक तरीक़ाकार है उसमें कुछ खसूसियात आयाराम को हासिल होती हैं जिस तरह से बाज़ रवायात के मुताबिक हमल का ज़ाहिर ना होना जी नाफ़बरीदा ख़नाशुदा पैदा होना लेकिन एक कुल तौर पर इसका रद्द करना कि जी वलादत का वलादत होती नहीं है और इश्तहारों पे और इस तरह की चीज़ों पे ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर उनकी वलादत वाले दिन जो है योम नजूल या योम ज़हूर का लफज इस्तेमाल करना वो आज की इसी दुआ से ख़ुद जुमलात और कलमात माम अली मुक़ाम हुसैन इबन अलीलाम से उनका हम रद्द पेश करेंगे और यही हमारी इतमास है कि जनाब दुआ कुमैल हो दुआ अरफ़ा हो सैफ़ा कामला की दुआएँ हों जी हदीस कसाज शरीफ हो इन चीज़ों को सिर्फ़ सुनकर और इनसे स्वाब को वहाँ लेने से और इनको पढ़ने वाले को जन्नत की गारंटियाँ मिल जाने से बला तर हो के भी इन चीज़ों से अपने अकायद और अमाल की असलाह की मदद भी लेनी चाहिए हमारी कौम का अलमिया है बदकस्मती है कि हमारे जो मेंबर एक यूनिवर्सिटी का दर्जा रखता था आ, किसी ज़माने में जहाँ से अकद और माल के जनाब तशरीहत पेश की जाती थी और लोगों को कुरान और अहल बैद के नज़दीक लाने की कोशिशें की जाती थी उसी मंबर से मकतब तशयों के मानने वालों पैरोकारों को एक वी वी आई पी तबका की हैसीत से पेश किया जाता है और यानी ये महसूस करवाया जाता है ये उनको आ, बावर कराने की कोशिश की जाती है कि आप जनाब इस उम्मत का एक वो वी वी आई पी तबका हैं जिनको ना अमाल सालिया की ज़रूरत पड़ेगी ना मोताजी रहेगी ना उनको अपने अकायद के ऊपर नजरसानी करने की ज़रूरत है क्यों क्योंकि आप अली वाले हैं आप अली अलैहिस्सलाम की वलायत और इमामत और मोहब्बत और मददत का दम भरते हैं तो आपको जनाब एक वी वी आई पी स्टेटस अल्लाह इज़्ज़त ने दिया है आपके जनाब किसी तौर पर भी दूसरे जो आम मुसलमान हैं उनके साथ मामला तो मिलते ही नहीं हैं ये बात दुरुस्त है कि मकतबित शैय या ये कहना चाहिए कि जितने भी मुहबान अलह बैत हैं जिनके दिल में अल बैत अम की मोहब्बत का समंदर जोश मारता है कि जिनके अक़ायद और अमाल से सुनत और सरत अलेत की पैरवी नज़र आती है उनका स्टेटस वाकई वी वी आई पी है लेकिन वो आखरत में है आप जितनी भी रवायात मासूमी पढ़ लें आप अदीसी मासूमिन की तरफ रब्त कर लें इवन कि आपने मजीद फुरक़ान हमीद की तरफ रब्ता कर लें तो ममिन के लिए आखरत है ममिन के जितने दर्जेबंदियाँ हैं जितने स्टेटस हैं जितने वी आई पी उनको वो मिलेंगे नवाजिशात मिलेंगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से वो आख़रत में है और दुनिया में हाल ये है कि खुद मौला तालिब अलैहिस्सलाम नाज़िल बलागा के खुतबे में फ़रमाते हैं कि अल्लाह के अहकाम की पबंदी करो यानी मफहम पेश कर रहा हूँ खुलासा पेश कर रहा हूँ कि अल्लाह के अहकाम की पाबंदी करो कुरान परमल करो उसके बाद आखर में यानी आखरत में अली तुम्हारी निजात का जामन है दुनिया में बहरहाल मतलब कामयाबी हो या ना हो ये मौला कायन के लफाज हैं यानी दुनिया में खुद मौला कायनत ने अपनी मुतद मतद रवायात में रसूल करीम सल वालसलम से एक मरवी रवायत है यानी मनसूब रवायत है कि दुनिया मोमन के लिए कैद खाना है इसी तरह मौला कायनत ने फरमाया कि ममिन दुनिया में किसी बुलंद और बाला पहाड़ में भी छुप कर बैठ जाएगा तो आजमाइशों को अल्लाह ताली वहाँ भी उसके पीछे भिजवा देगा या कोई ऐसी मखलूक पैदा कर देगा कि जो उस पहाड़ उस गार में भी इसको असीहत देती रहेगी क्यों क्योंकि मोमिन के लिए आखरत है दुनिया में अल्लाह रब्बुल रबुलज़त ने उसके लिए आजमाइशों का एक वो सिलसिला रखा है लेकिन यहाँ पर बिल्कुल बारक्स बताया जाता है यहाँ पर इन दुआओं से इन आईमा तहार की तलीमत से हमें सीखने की जगह सिर्फ़ कमाने की रगबत दिलवाई जाती है और ये कहा जाता है कि जनाब दुआ कमैल ज़िंदगी में कम अज़ कम एक बार पढ़ लेने वाला जन्नत से वो है बिल्कुल है इसमें कोई वो दोजक से माजरत दोजक से बरी है या वो बख्शा बख्शाया हैदी के साथ शरीफ हर जुमेर आत को पढ़ लेने वाला ये ये बरकतों से वो होगा बिल्कुल है लेकिन मेरा मुतालबा ये है कि क्या आपने कभी जैसे आज योम अरफा के दिन कई मौलाना हज़रा आपको ये दुआ अरफा सुनाएँगे कई ममिन ने घरों में अहतमाम किया होगा कई मसाजिद में तशरीफ़ ले जाएंगे तो जब वो पढ़ेंगे इसको और जिसके जिस इसके जिस नुक़ात की तरफ आज हम इशारा करेंगे क्या किसी मौलाना ने खुल के ठहर के आपको वहाँ से ये तरबियती अंसर भी दिया है अगर दिया है तो फाबेहा अगर नहीं दिया तो फिर कम अज़ कम आपने सिर्फ सुनना है स्वाव को माना है और बस चले जाना है आपने इनसे कोई तरबियत नहीं लेनी मैंने अर्ज़ की कि वी वी आई पी जो स्टेटस हाँ आपको मिलना है जो आपको बताया गया है जी शिया ने अली का एक वी आई पी स्टेटस है वो आखिरत में है दुनिया में जितना बाकी मुसलमान पर अहकाम लागू हैं आप पर डबल ज़िम्मेदारी है आपके अगर जजा जो है अमाल सालिया की जजा आपकी डबल है तो उसकी सजा भी डबल है चूंकि अहले का नाम इस्तेमाल होता है उनसे अपने आप को मनसूब किया जाता है बरसक के मामलों भी बड़े होलनाक हैं तो इस खुशफहमियों में ना रहें हमारे यहाँ बदकस्मती से कभी एक फतवा दाग दिया जाता है कि जनाब जंजीर जनी के नतीजे में निकलने वाले खून के हर कतरे की कीमत जन्नतफरदोस है बस बात ख़त्म अब जिन अजहान में ये चीज़ें आप डाल देंगे कि जनाब मजलिस हुसैन में आके कांसू बहा लो तो जन्नत तुम पे वाजब हो गई और फिर जंजीर जनी करके कतरा तो खून का निकाल लो तो उससे भी आला यानी जन्नतफरदोस तुम पर वाजब हो गई तो फिर मुझे बताएँ कि वो नौजवान जो है वो आमाल सालिया की तरफ रगबत क्यों करेगा वो कुरान क्यों सीखेगा कुरान क्यों पढ़ेगा कुरान परमल क्यों करेगा दुआ अरफा आपने सुना दी इसके फवाद फजाइल अजमतें आपने बता दी इससे तरबियत किसने देनी है कौम को दुआ अरफा के इन कलमात में जो आपकी खिदमत में आज हम पेश करेंगे वहाँ रुक के कौम को लेक्चर दर्ज किसने देना है कि अकीदा नजूल और ज़हूर जो है उसका रद्द तो ख़ुद इमाम अली मुकाम कर रहे हैं अब लगाइए तहमत माजल्ला इमाम पर कि जनाब ये तो दिखावे के लिए था ये तो उनकी जुल्ल सारी थी असल में मामला और है यानी इमाम पर यह तहमत और ये एक दफ़ा नहीं हम कई सैफ़ा कामला के मामला में बड़े बड़े मौलाना तोहतें लगाते हैं सामने आके बात करने की ज़रूरत नहीं हिम्मत नहीं जी चूँकि उनका लेवल नहीं बनता जी वो किसी सरफ़ और नायब पढ़ने वाले से बहस करेंगे तो बात करने का मकसद ये है कि जनाब इमाम पे ये तहमत लगाना कि उन्होंने अपनी तलीमत में पसे पर्दा को चीज़ें और रखी हैं और में कुछ और रखी हैं इससे बड़ा जनाब गुनाह और जुल्म क्या होगा नौ जिलहिजा की तारीख़ थी मक् मौज़मा के करीब बरफात का मैदान था और हजाज बैतल्ला बार गए अहदस बार में मसरूफ़ हमदोसना और मना जात और दुआ कर रहे थे कि एक मरतबा रावी की निगाह दामन को के इस हिस्सा पर पड़ी कि जहाँ सरकार सैदालशदा इमाम मुकाम, अली मुक़ाम हुसैन इबन अलीलाम तो अपने साहब और अहल ख़ानदान के साथ मसरूफ़ दुआ मनाजात थे जी आलम यह था कि दस्त दुआ बुलंद रुख आसमान की तरफ और ज़ुबान मुबारक पर कल मात हमदो मनाजात चश्माने मुबारक से आंसू जारी थे लहजा में ऐसा गुदाज और सोज था जैसे कोई फ़क़ीर बे नवा फ़ीर किसी सुल्तानुल सलातीन की बारगाह में अर्ज़ मुद्दा कर रहा हो उम्मत इस्लामिया के लिए ये दुआ बेहतरीन सरमाया नजात और मनाजात है और इससे हमदोसना और अर्ज़ मुदा के वो असूलोंदाज़ सामने आते हैं कि जिनका आम इंसान से दुनिया आम इंसान दुनिया में तसवर भी नहीं कर सकता रब करीम साहिबा ने को तफीक दे कि रोजे अरफा मैदान अरफात में, में हाज़िर होकर या कम से कम अपने मकाम पर मुसल इबादत पर बैठ कर इस दुआ मुबारक की तलावत करें और इसके मज़ामीन पर तोह देकर अपने अमाल और करदार की इस्लाह करें ये है जी वो दावत फ़िक्र और ऐसी ही होनी चाहिए हर वाइस को हर कारी को जहाँ भी ये दुआ पढ़ी जाए या हर शब जुम्मा मसाजिद मामबार गह में दुआ कमालल का वो किया जाए तो साथ बताया जाए कि दुआ कमाल सुन के तुमने सिर्फ जन्नत नहीं कमानी स्वाब नहीं खटना अकीदा भी लेना अकायद की दुरुस्तगी भी करनी है दुआ कुमैल सुन के तोहद भी बेहतर करनी है और दुआ अरफा पढ़ कर अपने कई मामलों को सैदलश के कलमात और तलीमत की रोशनी में तरतीब देना है तो आज हम पूरी दुआ तो आपकी खिदमत में इतार अख्तसार वक्त के पेश नज़र नहीं पढ़ सकेंगे लेकिन आज जो हमारा मुद्दा है यानी अकैद नजूल और हूर के ऊपर जो एक इलमी चोट हमने डंट डालना है और दावत फ़िक्र आपको पेश करनी है कि बताइए क्या मासूमिनलम को ख़ुदा न खासा पता नहीं था ख़ासकर सैदुलशल्ला ने जो जुमलात और कलमात बोले हैं क्या आपको नहीं माजल्ला पता था कि पैदाइश होती है वलादत होती है नज़ोल होता है और अगर पता था तो फिर एक और चीज़ सामने क्यों और बातन में एक और चीज़ क्यों ये दावत फ़िक्र और दावत असलाह है जहाँ जहाँ तक भी पहुँच जाए सुनने वाले पचास सुन लें सौ सुन लें एक भी सुन के अपना क़ीदा दुरुस्त कर लें या कम अज़ कम मतवज हो जाए कि जनाब मैं वाक़ता इनफाज को ख़ुद पढ़ूँ तर्जुमा पढ़ूँ और तफ जनाब इसकी शरह देखूँ या इमाम ने ये कलमात कही हैं तो इमाम तो मसूम है मसूम ज़ुबान से अदा हुए ये कलमात हैं तो ये कैसे हो सकता है कि इनका ज़हर मतलब कुछ और हो बातन मतलब कुछ और हो ये आपको इसी में वो उलझाएँगे और फिर कहते हैं कि जनाब सईफ़ा कामला की दुआएँ जो हैं वो आप डरेक्ट नहीं समझ सकते उनके मतलब भाई उनके मतलब पूछने के लिए अब फिर क्या शाहान शाह नकवी साहब जैसे सूफ़ी आलम की तरफ़ रब्त करें जो दरबारों से खुलम खुला मांगने की तरवीज करते हैं जी किसकी तरफ रब्ता करें आप बताइए राजा नासिर अब्बास से मदद लें जो फरमाते हैं जी अल्लाह भी बसीत है तो माज अल्लाह ये भी अस्तियाँ बसीत हैं वो फ़र्क ही नहीं छोड़ा अपने उन्होंने उस बयान में तो फिर किस की तरफ जाएँ और जब वाज हदायत के चश्मे फूट रहे हैं मासूमिन के कल से उनसे मैं कहता हूँ कि अल्लाह एक है अब इस चीज़ को समझने के लिए मैं किस आलम के पास जाऊँ मुझे बताएं मुझे अल्लाह ने अक्ल व शोर नहीं दिया मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि, कि कायनात को बनाने वाला इंसान को बनाने वाला और बनने वाला यानी खालक और मखलूक ये दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते तो इन चीज़ों की तरफ मतवज होइए इन दुआओं से इन मुनाजात से इन मरास में आज़ादारी आगे आएंगी इन श्ला इनसे सिर्फ़ स्वभाव ना खटें इनसे सिर्फ़ अपने अपने जन्नत में घर प्लाट पक्के ना करें इनसे दुनिया में अकीदा भी लें लोगों के केदे संवार में मदद भी लें लोगों के लिए बायस असलाह बने लोगों को गुमराह ना करें लोगों के क़ीदों की असलाह करें और जनाब शरीयत के अहकाम जिस तरह आम मुसलमानों पर वाजिब हैं लागू हैं आप पर हम पर भी वैसे ही लागू हैं हमारा वी वी आई पी स्टेटस क्याद में देखा जाएगा ठीक है एक ने कि एक मोहब्बत अले बैत वाला नमाज पढ़ता है एक जनाब भूसे बैत वाला पढ़ता है तो कबूल तो मोहब्बत बैत वाले की है लेकिन कबूल तो तभी होगी जब वो पढ़ेगा अब बगैर पढ़े उसको अहले स्टैंप लेके जनाब के वाले दिन गए जी तो नमाजी था तो ये था अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहे एक नेकी के सद के जन्नत दे दे वो अलग बात है लेकिन अपने आप को बरी उजिमा आप करार नहीं दे सकते बल्कि जैसे मैंने अर्ज़ की कि जैसे जजा डबल है वैसे सजा भी डबल है आप रवायात पढ़ लीजिएगा कि बैत का शिया करवाने वाला जब गुनाह करता है और एक आम फहम एक कम इलम बंदा जब गुनाह करता है तो उन दोनों में फ़र्क़ क्या है इन मौलवियों से पूछ लीजिएगा तो चलते हैं जी बगैर वक्त ज़ाया किए सीधा उन कलमात की तरफ जो इमाम अली मकाम ने इस दुआ में इस अकीदे की धजियाँ उड़ाई हैं कि जी नाजल होते हैं ये जहूर होता है कि विलादत होती है असल बात क्या है हम क्यों जनाब इधर उधर से पता करें हम क्यों ना इमाम अली मकाम से ही मदद लें ये होती है वो मदद जो मासूमिन हमारी करते हैं इलमी मदद जो मत तक जारी व सारी रहेगी वो अपना काम ऐसा तलीमत ऐसी छोड़ गए क्या मत तक आप इस्तः हासिल कर सकते हैं तो आए इस बाबत अकीदा नजूल व हूर ठीक है या क़ीदा वलादत ठीक है हम जनाब सैदुलशल की बारगाह में दस दस्त अर्ज़ करते हैं कि मौला करीम बताइए कि क्या अकीदा अकीदा कौन सा है तो आइए जनाब इमाम फरमाते हैं शुरू में अल्लाह ताला की त हमदोसना करते हैं उससे बख्शिश की दरख्वास करते हैं उसकी तारीफ़ करते हैं जी उसके बाद फिर ये अल्फाज यहाँ तक आते हैं जिसमें आप फरमाते हैं कि तू ने मुझ पर नियमतों की फ़रावानी के साथ पहल की कबल इसके मैं कोई काबिल जिक्र चीज़ होता है अल्लाह तूने मुझ पर नेमतों की फरावानी के साथ पहल की कबल इसके कि मैं कोई काबिल ज़िक्र चीज़ होता तूने मुझे पैदा किया मिट्टी से ये सिर्फ तर्जमा नहीं है ये अरबी का भी मितन मतन, मतन पा लीजिएगा व खलता नहीं मन्नत तो राब तो राब मिट्टी को कहते हैं इससे शीयों से ज़्यादा कौन इस लफ्ज़ के तर्जुमे से वाकफ़ होगा और तूने मुझे पैदा किया मट्टी से अब ये मैं नहीं कह रहा मुतरजम नहीं कह रहा यह ख़ुद सैदुलशदा या तोमा को इकट्ठा कर लीजिए इसकी सनद को भी ज़ैफ़ करार दे दीजिए क्योंकि दुआ की सनद ही ज़ैफ़ है ये सहात नहीं इमाम हुसैन के क्लब तो बात ही ख़त्म हो जाएगी अगर नहीं है इनमें इतनी भी ज़रूरत नहीं है मामा पोशों में सूफी मामा पोशों में कि ये आके जनाब खुल्लम खुला इसका रद्द कर सकें तो फिर कम अज़ कम कौम को हाक बता दें तो इमाम फरमा रहे हैं कि तूने मुझे पैदा किया मट्टी मट्टी से फिर मुझे जगह दी बड़ों की पुष पुश्तों में बड़ों की पुश्तों में यानी आले इब्राहिम सिलसिला इब्राहिमी तक जो पहुंचता है उसकी तरफ इशारा है बड़ों की पुश्तों से मुझे गुजारा ताकि मैं अमन अमन में रहूँ तकदीर की नागहानी आफात और ज़माने के इनकलाबाद से पस मैं पे दर पे एक एक पुशत से अब ये अल्फाज पे आपने गौर करना है मेरे मुहतरम नागरियन ने सामीन और पूछना है इन मुलाओं से हक़ से नहीं उनका हम जनाब सलाम पेश करते हैं उनकी खिदमांत को लेकिन वो के जो मंबर हुसैन का इस्तेमाल करते हैं और तबलीग आपको नसैरियत गालियत शेखियत और सूफ़ीत की करते हैं उनमा से आपने पूछना है कि बताओ कि इनके अगर कोई बातरी मतालब की किताब है तो वो किधर है और अगर ये अल्फाज वाजियाँ हैं और हक हैं तो फिर बताओ कि तुम अकीद नजूल और जहूर की कहाँ से जाके सपोर्ट करते फिरते हो इमाम फरमाते हैं कि तूने मुझे जगह दी बड़ों की पुश्तों में ताकि मैं अमन में रहूँ तकदीर की नागानी आफात और ज़माने के इनकलाबाद से पस मैं पैदर पे एक एक पुश्त से एक एक रहम में आया रहम मादर में आया यानी एक एक पुश्त से एक एक रहम में मेरा सफ़र जारी रहा अब ये वलादत का प्रोसीजर जो है वो आप खुद देख लें। हैं नज़ूल और जहूर में तो ऐसा कुछ नहीं होता बस एक चीज़ आनन फानन यक़दम से ज़ाहिर हो जाती है। जी और गायब हो तो र हो जाती है छुपी हुई हो तो र हो जाती है और आसमान से आए तो नाजुल हो जाती है उसमें तो ये तरीक़ाकार नहीं होते पुश्तों वाले और अरहाम वाले बहार ये मौला फरमा रहे हैं एक एक पुशत एक एक रहम में आया इन दिनों में जो गुज़रे हैं और इन सदियों में जो बीत चुकी हैं तूने मुझे नहीं पैदा किया अपनी मेहरबानी तूने मुझे नहीं पैदा किया मगर अपनी मेहरबानी लुत्फ और एहसान फरमाते हुए और इन काफ़र बादशाहों की हिमात में कि जिन्होंने अपने हद पैमान को तोड़ा और तेरे रसूलों को जुटलाया बल्कि तूने मुझे इस ज़माने में पैदा किया कि पहले ही से हिदायत मेरे लिए मैसर कर दी थी अब ये जो एक और अकीदे को यहाँ पे चोट पड़ती है कि जी ये तो जनाब फ़िज़िकली जिसमानी तौर पे हर नबी से पहले मौजूद थे और हर नबी का दौर जनाब इन्होंने जिसमानी तौर पे पाया है और हर नबी की आगे मुश्किलें हल की हैं और यहाँ अल्लाह का शुक्र इस बात पे किया जा रहा है कि रबुलज़त तूने मुझे ालम बादशाहों के दौर में पैदा नहीं कर दिया तू मेरे पैदा होने से पहले मेरी हदायत का यानी रसूल अल्ला वसलम सरकार की आमद का और शरीत की आमद का और कुरान की आमद का अहतमाम किया इधर ये इस बात पे इमाम शुक्र अदा कर रहे हैं अच्छा जी बल्कि तूने मुझे ज़माने में पैदा किया कि पहले इसे हिदायत मेरे लिए मैसर कर दी और इसमें तूने मेरी नशो नमा की और इससे पहले भी तूने मुझ पर मेहरबानियाँ की हैं उसने सलूक रवा रखा है और अपनी नियमतें मेरे लिए फरवा की है मेरी पैदाइश का आगाज़ टिपकई हुई मनी से किया मैं नहीं कह रहा इमाम कह रहे हैं तर्जुमा आप करवा लीजिएगा खल्की मिन मनी युना युना ये अल्फाज हैं ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ ये युमना तक का तर्जुमा दिखाएंगे ये आपको तर्जुमा भी पढ़ लीजिए अच्छा जी तूने मुझे पैदा किया फिर मेरी पैदाइश का आगाज़ चपकाई हुई मनी से किया और तूने मुझे रखा गोश्त खून और जिल्द के तीन पर्दों के अंदर जहाँ मैंने अपनी ख़िलकत का मुशाह नहीं किया और तू कुछ भी ना डाला मेरे ऊपर इस मामले में फिर तू ने मुझे सबका हिदायत के साथ सैदाल दुनिया में भेजा और तूने गहवारे में मेरी हिफाजत की कि जबकि मैं एक नातवा बच्चा था और तूने मुझे ताज़ा दूध की गजा बाहम पहुंचाई शेर मादर का जिक्र हो रहा है अब यहाँ बताइए कि वलादत का वो कौन सा प्रोसीजर है जहाँ इमाम अली मकाम ने जिस तरफ इशारा नहीं किया जिसका जिक्र नहीं किया इन अस्थियों को खसाइश शामिल हाल हैं इन हस्तियों की ना को हम वो अपने ऊपर वो कर सकते हैं लेकिन हम कुली तौर पर इनकार और रद्द भी नहीं कर सकते जैसे ये गालियों ने शेखियों ने यहदा कौम के अंदर इंजेक्ट कर दिया है कि खुदा न खास्ता तुम लोग जनाब मुकसर हो जाओगे तुम इनकी शान में तोहन के मरतकब हो जाओगे अगर तुमने इनकी वलादत का वो मान लिया चूँकि तुम और हम भी नजस इंसान हैं हम भी पैदा होते हैं और ये पाक हस्तियाँ भी पैदा होती हैं इतना कहने की देर छलानगे मार मार कमरे नहीं इनकी थकती इनारों से और जनाब बिला सोचे समझे कि इमाम किसी और तरफ मतवज कर रहे हैं ये ज़ाकर हमें किसी और तरफ या मुल्ला किसी और तरफ़ लेके जा रहा है हम जाहिलों की तरह ऊँग पटांग उछल कूद नीचे बैठ ऊपर जा सवा लख नारे ढाई लख नारे पाँच लख नारे बस ये है जनाब वो हासिल जो इस शिया कौम ने मबदत और मोहब्बत आल बैत से हासिल किया है और मेरे लिए नरम कर दिए दूध पिलाने वालियों के दिल और मेरी कफालत की रहम दिल माओ के ज़रिए तूने मुझे जन्ात के आसेब से भी महफूज़ रखा और मुझे बचाए रखा हर किस्म की ज़्यादती और कमी से पस तू ही बुलंदियों का मालिक राम करने वाले अ मेहरबान और ए शफ़ी ये मेरे मोहतरम नाजीन साम कुछ जुमले थे जो इस दुआ से आपकी खिदमत में पेश करने थे चूँकि बहुत ज़्यादा ुमां आपको ये दुआ आज के दिन सुनाएँगे भी कोई यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पर लाइव आपको करके दिखाएँगे लेकिन शायद ही कोई आपको इस तरह मुतव करे कि जनाब अकीद नजूल और जहूर की कली खोलती हुई ये दुआ कि ये जुमले भी सुन लीजिए जैसे मैंने अर्ज़ किया कि मासूमी सलाम की दवाओं से उनकी वलादत और शहादत की महाफिल और मजालस से सिर्फ़ को माँ के ना उठाया करें स्वाब भी उसी का कबूल है स्वाव भी उसी कोजर भी उसी के लिए है जिसकी तहीद के मामला ठीक हैं इसी दुआ में इमाम अली मकाम का एक जुमला रहती दुनिया तक ने फ़र्जान ने तोद की राहनुमाई करता रहेगा कि जिस जुमले इसी दुआ में कि जिस जुमले में आप फरमाते हैं क्या अल्लाह जिसने तुझे पा लिया तो उसने खोया क्या और जिसने तुझे खो दिया तो उसने पाया क्या ये किसी और कौम के लिए हैं दुआएं ये तरबियत किसी और के लिए है आपको वी आई पी अल्लाह तला के माज अल्लाह को रिश्तेदारी का माहिदा आपके साथ जब मासूमिन कहते हैं कि हमारी अल्लाह से कोई रिश्तेदारी नहीं अमाल में बख्शिश के लिए हमारी मदद करो तो फिर आपको ये गलत फहमियाँ डालते ये सरों पे मामे सजाए ये सरों पे कैपें सजाए जाकर जनाब ये आपको कोई दरबारों से पे मांगने भेज देता है जी कोई आपको कहता है जी नाजल और जहूर का किदा ठीक है वलादत का किदा तो हमें और उनमें फ़र्क़ क्या रह जाएगा इन्ना, लिल्ला हे इन्ना ला वनाजुन परवरदगार आलम से दुआ है कि आज के दिन हमारे लिए हदायत के रास्तों को वाजिया कर दे और हमें हिदायत नसीब फरमाए बद गुमानों में कि दुनिया में इनका नाम ले भी दुनिया में हदायत से मरूम ही चले गए उनमें हमारा नाम ना लिखे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तोहहीद और वलायत की दौलत से मालामाल करे हमारा ख़ात्मा बिल ईमान फरमाए इमाम जमा सरकार जल्ला तर्ज शरीफ के ज़हूर में ताजील फ़रमाए हमें सानिया दे सानिया बानिया की तफ़ीकता फ़रमाए तमाम मरीजान को शिफा दे और तमाम मरूम इनकी बख्शिश फ़रमाए ला हौला वला कुव्वता इल्ला लाला कवत बिलज़ीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आला तय्यबीन व ताहरीन